प्रदेश में जोगी पार्ट 2 की सरकार बनते ही लोगों के मन में कयास लगाए जाने लगा था कि गांव के सार्वजनिक भूमि को सरकार जरूर खाली करवाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। साथ ही सरकार द्वारा बनाए गए एंटी भूमाफिया की भय अवैध कब्जाधारियों से तनिक भी नहीं है। एक ऐसा ही मामला तमकुहरा तहसील के गाँव लवनिया में देखने को मिल रहा है। पूर्व प्रधान का आरोप है कि गाँव लवनिया की सार्वजनिक भूमि पर एक व्यक्ति द्वारा जबरदस्ती झोपड़ी आदि सामग्री रखने के साथ उक्त भूमि पर अवैध पक्का निर्माण करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रदर्शन कर रहे ग्रामरोध संघ पूर्व प्रधान का आरोप है कि भूमि पर गांव के ही दबंग द्वारा जबरिया स्थानीय प्रशासन के सह पर कब्जा किया जा रहा है। शनिवार के दिन लवनिया के ग्रामरोध ने गाँव में ही प्रदर्शन कर भूमि को अवैध कब्जाधारियों से मुक्त कराने की मांग की। कब्जाधारी व्यक्ति से पूछे जाने बताया कि हम इसी जमीन पर विगत पुस्तों से निवास करते आ रहे हैं, हमारी पैदाइशी भी इसी स्थान पर हुआ है। उक्त जमीन को लेकर पूर्व प्रधान द्वारा पंचायत किया जा चुका है। हमारे कार्यों में गांव के लोग जोर जबरदस्ती कर रहे हैं। इस संबंध में तमकुहरा तहसीलदार से पूछे जाने बताया कि मामला संज्ञान में है, जल्द ही मौके का स्थलीय निरीक्षण कर समाधान कर दिया जाएगा। क्या नाम है आपका? अमर प्रसाद। किस गाँव के हैं? लवनिया के। अभी किस चीज को लेकर विरोध किए हैं? बंजर जमीन का। क्या मामला है? ये आबादी का जमीन है, बंजर का जमीन है। ये मुकदमा कर दिया दीवानी में, मुकदमा किया, हम लड़े, आया विपक्ष खारिज हो गया। ये खारिज हो गया उसके बाद भी अधिकारी कर्मचारी के सुनते नहीं थे, हमने के पेपर के मानते नहीं थे। हम DM साहब गया गनी, SDM साहब गया गनी, तहसीलदार साहब गया गनी, कानगो साहब गया गनी, लेखपाल साहब के लगनी, दरोगा जी के लगनी, पुलिस लोग के लगनी, नायब साहब के लगनी। ये केहू हमारे पेपर माने वाला नहीं था, ना सुना तक के दबाव करके आ ईटा गिरवा के आ चलवा होता आ कल हलवा दिया सब बल बस्ती है। ईटा गिरल बा रोकत नहीं तक के सुनवाइए नहीं हमनी के आ कह रहे फौजदारी मत करिए, झगड़ा मत करिए। दबाव की वजह से क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं जो सब खाली हो जाए आ गांव ग्राम सभा में रहे, बंजर सब लोग गाँव में गए, बरात उरात लगेगा। मामला ये है कि बंजर भूमि है, आबादी घोषित करके आबादी घोषित, हाँ आबादी भी है इसमें, और जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। ग्राम सभा की जमीन है, सार्वजनिक भूमि है, और हाई कोर्ट में से हटाने के लिए आदेश भी है, मगर मालूम नहीं हुआ अभी। आदेश साल भर से ऊपर हो गया, कोई नहीं सुन रहा है। ऊपर हो गया। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं खाली हो जाए जमीन, ग्राम सभा में रहे, बरात लगाने के इसके अलावा कोई जगह नहीं है हमारे वहाँ। अधिकारी से नहीं मिले? अधिकारी से साहब, SDM, तहसीलदार, थाना अध्यक्ष, DM सबसे मिल चुके हैं। धन बल के आगे हम लोग कोई सुनवाई नहीं हो रहा, खाली मुँह से। क्या नाम है आपका? जोगेंद्र सिंह नाम है। कैसा जमीन है? ये बंजर जमीन है, गांव सभा खातिर चाहते हैं गांव सभा के ये हो जा, बरात उरा टिकाओ खातिर सबके काम दी। तो क्या हो? केहू सुनवाई नहीं कर रहा, केहू हमनी के बतिए नहीं। किसने कब्जा किया है? का नाम है? संतोष। संतोष सिंहधारी। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार। किस ग्राम सभा के हैं? ग्राम लवनिया टोला का प्रतिनिधि। गाँव में जमीन कब्जा करने का आप आरोप लग रहा है, क्या कहेंगे? सर ये गलत है, वो जो आरोप लगा रहे हैं बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि हमारे बाबा दादा वहीं पर हैं। 2015 में पंचायत हुआ था, उसमें भी ये लोग मनाता हो गए, हम लोग का 1.5 कट्ठा जमीन छूट गया। हमारे समय तक 1.5 कट्ठा जमीन छूट गया, हम लोगों ने छोड़ दिया जमीन, फिर भी हम लोग उसी में न्यू चलवा के उसी में कहें भी उसमें घर बनवा लेंगे, लेकिन वो लोग इस पर भी नहीं मान रहे। वो लोग मेरे पिताजी जैसे बाहर रहते थे, इसलिए हम लोग बाहर कमाते खाते हैं, हमारी जो जब कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या ही। तो क्या अभी आप फिलहाल जमीन कब्जा किए हैं कि वो आपका जमीन है? सर हमारा जमीन है, वो पुश्तैनी जमीन है, वो दो तीन पुश्तें वहाँ पे गुजर गई हैं, और ये लोग नजायज़ कर रहे हैं हमारे साथ, सरासर नजायज़ कर रहे हैं। बस बात ये है कि ये दबंगे के जोर पे अपने हम लोग को दबा रहे हैं, हमारी कास्ट एक है। क्या माना जाए जो आरोप लगाया गलत है? सरासर गलत है सर, सरासर गलत है। हम लोग अगर गलत है, हमारे पास कागज पत्र सब है, पंचायत नामा भी है, और कोर्ट लखपाल कानू का रिपोर्ट भी है सर। आप इसके संबंध में अधिकारियों से भेंट किए हैं? बिल्कुल सर, सब जगह भेंट कर लिया हूँ, और सब जगह सही कागज पत्र लेके गया हूँ, गलत मैं कहीं नहीं। अधिकारी लोग क्या बोलते हैं? अधिकारी लोग कह रहे हैं अपना घर बनवाइए।